अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप इमरान खान की अंधी तकरीर क्यों करते हैं। मैं जवाब देता हूं कि कभी हमने इमरान खान को हजरत कहा है, अलामा कहा है, मौलाना कहा है, और कभी मुजद्दिद कहा है, मुज्तहिद कहा है, इमाम कहा है, शेखुल इस्लाम कहा है, कभी भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम अंधी तकलीद नहीं करते, बल्कि अंधी तकलीद वो करते हैं जो ऐसे अलकाबात देते हैं, और चाहे अगला इस अलकाबात के लायक हो या ना हो, आप लोग देते हैं और उसे ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, ऐसी बात नहीं कि इमरान खान ने इस्लाम की खिदमत नहीं की, उसने तमाम जितने भी हैं हजरत, अलामा, मौलाना, मुजद्दिद, मुज्तहिद, इमाम जो आजकल चल रहे हैं, जो शेख उल इस्लाम, उनसे किसी से भी कम काम नहीं किया। इमरान खान ने आलमी लेवल पे वो काम किए हैं जो शायद के तुम्हारे ये लोग ना कर सके हों, और आलमी लेवल पे इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदाद मंजूर की। ये कोई छोटा सा काम नहीं। और आलमी लेवल पे नमूसे रिसालत, नमूसे मुस्तफ़ा पर काम किया। लोग पूरे मगरब, पूरे यूरोप को, बल्कि पूरी दुनिया को नमूसे रिसालत के बारे में बताया। और सिर्फ एक ही जुमला जिसकी कीमत कोई भी नहीं अदा कर सकता, जो जनरल असेंबली में खड़े होकर मेरे लीडर, मेरे कप्तान इमरान खान ने कहा था कि मेरा नबी मेरे दिल में रहता है, अगर कोई बुरा भला कहे तो हमें तकलीफ होती है। और इस्लामोफोबिया का जो आलमी लेवल पे काम किया, वो किसी मुजद्दिद, मुज्तहिद और आज के किसी इमाम और शेख उल इस्लाम से कम नहीं। लेकिन फिर भी हम उसकी अंधी तकरीद नहीं करते, फिर भी हम उसे हजरत, अलामा, मौलाना, मुजद्दिद, मुज्तहिद और शेख उल इस्लाम नहीं कहते, इमाम नहीं कहते, बल्कि सिर्फ इमरान खान कहते हैं। तो इसकी एक जिंदा मिसाल है कि हम अंधी तकलीद नहीं करते, और जो अंधी तकलीद करते हैं वही ऐसे अलकाबात देते हैं और ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। और वैसे सारे ही इस्लाम के मुहिब हैं, क्योंकि मुसलमान पैदा हुए हैं।